वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अपना जो डिस्कशन चालू है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ अपन डिस्कस कर रहे हैं। और कल तक जो आपने देखा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, आप इसको लिख सकते हो वन अपॉन ए y प्लस डी अपॉन फोर ए इज इक्वल टू x प्लस b अपॉन टू ए होल स्क्वायर। और इस कारण कल आपने लिखा था कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पैराबोलिक। और अब ये जो पैराबोला की शेप है ये डिपेंड करेगी, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्मेट विच इज लाइक द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। And now the shape is depend upon A. When A is positive, then graph is open upward. And A is negative, then graph is open downward. So overall, कल आपने इसका shape भी बनाया था, आज फिर से अपन उसको total जितना भी quadratic expression है इस दुनिया में, जितना भी, उन सारों को छह कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। मतलब आप कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लीजिए, वो इन छह केसेस के बाहर नहीं जाएगा जो छह केस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक एग्जांपल के साथ अपन उनको डिस्कस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो जिन बातों पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो है आपका ग्राफ, दूसरा हम इसका साइन देखेंगे, और तीसरा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे चर्चा करेंगे। जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो ये तीन चीजों में से आपको कोई भी एक पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि छह कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, मतलब टोटल छह केस बनेंगे। और उसमें सबसे पहले हियर वी डिस्कस केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट है कि जब भी आपका ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव मतलब ये वाला ए, मतलब ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा। और दूसरा मैंने यहां पर लिया है जो डिस्क्रिमिनेंट है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी भी पॉजिटिव हो। तो आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है कि कैपिटल डी पॉजिटिव होने का मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो रूट्स मिलेंगे, दोनों भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो ऐसा कोई सा भी एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत अटक अटक आ रही है। अचिलो, हाँ वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, हाँ नेटवर्क इशू हो जाता बीच बीच में, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आ रही है बराबर? हेलो, यस चलो ठीक, यस सर। सो फर्स्ट केस हमने लिया है जब आपका ए बी पॉजिटिव है और डी बी पॉजिटिव है। मैं साथ साथ ये केस को एक एग्जांपल के थ्रू भी आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सपोज आपके पास आया फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लिया। अब यदि आप इसका ए चेक करें
तो वैल्यू ऑफ ए इसका 1 है, मतलब पॉजिटिव है. और इफ यू कैलकुलेट इट्स डी डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ऑल्सो 1, तो ये भी पॉजिटिव है. तो आपका ए और डी दोनों पॉजिटिव है, ये केस में बात कर रहा हूं. तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए और डी कैसा है. व्हेन ए भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तब शेप कैसी बनेगी? तो ए पॉजिटिव के कारण पैराबोलिक शेप होगी, ओपन अपवर्ड. और डी पॉजिटिव का मतलब है रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. तो ये अभी अपन थ्योरेटिकली पढ़ते थे कि व्हेन डी इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इसको ग्राफिकली आप कैसा देखेंगे, तो ग्राफ पेपर पे जब आप इसको प्लॉट करोगे ऐसा किसी भी शेप को, तो वो इस तरीके का शेप लेगा. ओपन अपवर्ड क्यों बना? क्योंकि हमारा ए पॉजिटिव था इसलिए ओपन अपवर्ड हमने बनाया. और ये जो पॉइंट है ये क्या होते हैं, जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दे आर दी रूट्स. तो आप बोलते हो कि डी पॉजिटिव है, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. दो रूट्स मिलेंगे, दोनों भी अलग अलग मिलेंगे. तो ग्राफ पेपर पे ये आपको कुछ इस तरीके का शेप देगा. मतलब व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब आप इस फंक्शन का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो बिल्कुल सेम शेप देगा ये. या ये इसकी शेप. अब इसके रूट्स आप जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स आते हैं 2 और 3. तो हमारा अल्फा और बीटा की जगह पर 2 और 3 हो गए. तो सबसे पहली जो हमारी बात है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आपको बस शेप बनाना है, रफ शेप बनाना है. ओपन अपवर्ड होगा कि ओपन डाउनवर्ड होगा, और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, या फिर एक्स एक्सिस को टच या फिर इंटरसेक्ट, दोनों नहीं करेगा. तीन सिचुएशन होती है, मैं तीनों पर एक एक करके डिस्कशन कर रहा हूँ. बट दिस इज अवर फर्स्ट केस व्हेन ए एंड डी बोथ आर पॉजिटिव, देन उस केस में ग्राफ हमेशा ओपन अपवर्ड एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ बनेगा. पूछो किसको डाउट है. चलिए खैर, तो दिस इज दी शेप. मैंने एक एग्जांपल भी लिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का. और अब आप देखें ग्राफ के बाद मैं आपको बता रहा हूं यहां पर साइन. आप यदि इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसमें व्हेन यू पुट एनी नंबर बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यदि आप एक्स का वैल्यू यहां पर कोई भी ले लें. अच्छा एक चीज और है इसमें, वो पहले अपन प्लॉट कर देते हैं. ये कल आपको बताया था कि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे बनाओगे. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है माइनस बी बाय 2a, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है माइनस डी बाय 4a. मतलब दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी वर्टेक्स जहां से ये ग्राफ टर्न हो जाएगा ये कहलाएगा आपका वर्टेक्स. और ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना आएगा, दिस इज माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a. डी डिस्क्रिमिनेंट है, बाकी ये भी तो क्वाड्रेटिक से मिल जाएंगे. तो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल में इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करके बता रहा हूं. माइनस बी अपॉन 2a का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू डालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट यहां से निकालते हैं. तो डालिए ए बी सी का वैल्यू. बी कितना दिया है अपन को माइनस 5, तो जब आप बी की जगह यहां माइनस 5 डालोगे तो ये आएगा माइनस 5. ये हो गया बी. माइनस ऑलरेडी था, बी का वैल्यू माइनस 5 है और 2a, तो 2a मतलब 2 आएगा. सेकंड थिंग आता है माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट कितना आया आपका 1 अपॉन 4a. ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 5/2, -1/4. तो ये इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इस तरीके का एक नंबर आएगा 5/2, -1/4. ठीक है, तो कैसे निकालते वो मैंने आपको बता दिया. सो दिस इज अवर वर्टेक्स. और अब अपनी बातें सारी आसान हो गई. मैं
थ्योरी को एक क्वेश्चन के थ्रू भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप ये लोग, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं जिनका ए और डी पॉजिटिव आता है, और जब भी ए और डी पॉजिटिव आएगा शेप हमेशा ऐसी लेगा। ठीक है, तो पहली बात अपनी खत्म की ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा वो मैंने आपको बताया, पहला केस, पांच केस और पढ़ने हमने। नाउ सेकंड थिंग, हियर वी डिस्कस द साइन। साइन का मतलब ये जो वाई आपको दिया है, ये आपने ग्राफ किसका प्लॉट किया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ है ये। ऐसे यहां पे भी डिस्कशन करेंगे तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका ग्राफ है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ होते हैं। तो अब मैं यहां पर इनका साइन पता कर रहा हूं। साइन का मतलब आपसे ये पूछा जाए कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर ये पॉजिटिव आएगा, और x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, कोई भी नंबर मेरे मुट्ठी में बंद है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। जीरो पे तो डिस्कशन अपन टेंथ क्लास से करते आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसको इक्वेटेड टू जीरो कर देता था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि ये कहां पर जीरो होगा, तो जहां पर ये जीरो होगा उसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे, और वो दो रूट्स तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, टू और थ्री। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। अब आप ये देख रहे हो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स में से केवल टू और थ्री डालोगे इधर तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब टू थ्री पे तो ये जीरो होता है, ये तो पक्की बात है, टू और थ्री पर ये जीरो हो गया। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये वाई पॉजिटिव कहां पर होगा और वाई नेगेटिव कहां पर होगा। टू थ्री को छोड़ दे, सभी भी इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स बने, उनमें कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव होता है। तो अब आप ग्राफ की शेप को ध्यान से देखिए, इधर देखें, यदि मैं इस वाले ग्राफ पे चर्चा करूं और इफ यू पुट एनी नंबर बिटवीन अल्फा बीटा, आप अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी नंबर लें, जैसे मैंने ये नंबर लिया, तो इस पर जो आउटपुट मिलेगा आपको फाइनल, इस पर ये एक्स की वैल्यू है, ये अपन एक्स की वैल्यू जब यहां डालेंगे तो वाई की जो वैल्यू आएगी, ये अपनी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बिलो दी एक्स एक्सिस। ये देखो, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस बना हुआ है। ऐसे यदि यहां पर कोई नंबर डालेंगे तो भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। एक और बार बताओ। वही बता रहा हूं, यहां पर कोई नंबर आप डालेंगे तो भी वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। आपको ये देखना है कि ग्राफ का पोर्शन इन नंबर्स के बीच में कैसा बन रहा है, बिलो दी एक्स एक्सिस। आप ये ग्राफ बनाया आपने, और ये ग्राफ जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो कितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है और कितना पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस आ रहा है। तो आप ये देखोगे कि ये जो पोर्शन है ये अबव दी एक्स एक्सिस है, और ये जो पोर्शन है ये बिलो दी एक्स एक्सिस है। तो बिलो दी एक्स एक्सिस आपको, आप ये जानते हो एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होता है, यहां पर y पॉजिटिव है और यहां पर y नेगेटिव है, ये y एक्सिस होती ना, और यहां पर आप नंबर कैसे लिखते हो, वन टू थ्री पॉजिटिव, और यहां पर सारे नंबर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो अबव दी x एक्सिस y पॉजिटिव है, बिलो दी x एक्सिस y नेगेटिव है। तो ये y की जो वैल्यू है ये नेगेटिव कब आएंगी, जब आप x का इनपुट जब आप अल्फा और बीटा के बीच में डालोगे। When you put any numbers between alpha beta, जब भी आप अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी नंबर डालेंगे, y का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब मैं जो आपको बोला वो ये कि यदि मैं साइन की बात करूं तो y आपका नेगेटिव कब होगा, तो ये y आपका नेगेटिव, या पहले अपन ये लिख लेते हैं जो अपन पहले से जानते हैं कि y जीरो कब होगा।
तो अपन ये जानते हैं वाई को जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो मतलब दो रूट, तो दिस इम्प्लाइज एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, अल्फा और बीटा। मैं एक एग्जांपल में बात करूं, यदि इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि बताओ वाई जीरो कब होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स बराबर टू एंड थ्री, दो और तीन पे जीरो हो जाएगा। तो पहली बात तो खत्म होगी, पहला साइन हमारा आ गया कि जीरो कहां पर होगा। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आप ये बताओ कि वाई आपका नेगेटिव कहां होगा। तो ग्राफ को यदि आप देखो तो वाई नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी नंबर डालने तो वाई हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे यदि मैं यहां पर बोलूं आपसे कि यहां पर वाई नेगेटिव कब होगा इस एग्जांपल में, तो आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा की जगह पर क्या आ गया, अब ये टू थ्री। आप डाल के देख लो, इफ यू पुट एनी नंबर बिटवीन टू एंड थ्री, दो और तीन के बीच का कोई भी नंबर इधर डाल दो, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। इफ यू पुट एनी नंबर बिटवीन टू एंड थ्री, तो इसका जो आउटपुट है फाइनल वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक आता है तो उसको देख के ये जज कर पाना मुश्किल है कि किस किस के बीच के नंबर हम यहाँ पर डालें तो ये नेगेटिव आए। तो उसके लिए ये जो अप्रोच है ये बड़ी सिंपल अप्रोच, कि ग्राफ प्लॉट कर लो और टू थ्री के बीच में नेगेटिव है तो वो बता दीजिए कि टू और थ्री के बीच में कोई भी नंबर डालो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। और उसके पीछे भी एक रीजन है, और मैं इसको आपको बड़ी इजी मेथड से भी एक बताऊंगा, एक शॉर्टकट भी इसके बाद में डिस्कस करूंगा। जब तक मैं अपनी पूरी बात खत्म करूंगा और जिस पॉइंट पे खत्म करूंगा फिर आप सोचिएगा कि आपको सारा कुछ समझ गया। ठीक है, तो दो साइन पर मैंने डिस्कशन किया, पहला तो ये जीरो कहां पर है, तो दो और तीन डालोगे तो जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव कहां है तो दो और तीन के बीच में डालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। अब हमारे नंबर लाइन पे दो से लेके तीन तक के नंबर खत्म हो गए, दो और तीन डाला तो जीरो आ गया, दो और तीन के बीच में डाला तो नेगेटिव आ गया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि पॉजिटिव कहां होगा, तो ये पॉजिटिव होगा कहां पर, जब आप तीन से बड़े नंबर डालोगे या फिर दो से छोटे नंबर डालोगे। कहने का मतलब आप देख लो ग्राफ में कि दो तीन पे जीरो था, दो तीन के बीच में नेगेटिव था, तो अब यदि ये मैं पूछूं कि पॉजिटिव कहां होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा दो से छोटे नंबर, दो से छोटे नंबर कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक। तो आप उसको क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू तक, और यूनियन थ्री से लेके इंफिनिटी, पूरी नंबर लाइन आ गई। देखो आपको माइनस इंफिनिटी से दो, तीन से इंफिनिटी ये आ गया, मतलब ये वाले सारे नंबर्स, इन सारे नंबर्स पर इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तीन से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे इन्फिनिटी तक, और दो से छोटा कोई भी नंबर डालोगे माइनस इन्फिनिटी तक, इस पर ये कैसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इन सारे नंबर्स पर दो और तीन के बीच में आप कुछ भी डाल दीजिए, इन सारे नंबर्स पर ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और तीन पर और दो पर ये कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूरी नंबर लाइन कवर होगी, मतलब ये वाई आपको तीन साइन देता है, दो जगहों पर जीरो बनेगा, कुछ जगहों पर नेगेटिव और कुछ जगहों पर पॉजिटिव। तो आपने हर क्वेश्चन में ये पहचानना है कि वो नेगेटिव कहाँ है और पॉजिटिव कहाँ है। जैसे यदि मैं अब इस ग्राफ में बात करूं कि अल्फा और बीटा के बीच में तो नेगेटिव हो गया, ये चीज एग्जाम्पल में आपको ऐसी दिख रही है, अब मैं ये पूछूं कि पॉजिटिव कहाँ है, तो अब आप देखो बीटा से बड़ा कोई भी नंबर डालो, इस पर मैं यदि आउटपुट देखूं, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखें, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ ऊपर बन रहा कि नीचे बन रहा, तो आप देखोगे ऊपर बन रहा है, मतलब आउटपुट आपका कैसा आएगा, अबव द एक्स एक्सिस आएगा। यहां पर कोई पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस, यहां पर अबव द एक्स एक्सिस, यहां पर अबव द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जब आप बीटा से बड़ा लोगे तो वैल्यूज आपकी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। या कोई भी पॉइंट जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे जीरो अल्फा के इस तरफ है, और जीरो पर वैल्यू कैसी मिल रही है आपको, अब भी एक्स एक्सिस मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और इसलिए
अल्फा से छोटा कोई भी नंबर यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, या फिर जीरो डालो, या फिर ये डालो, ये डालो, कोई भी नंबर डालेंगे जो अल्फा से छोटे हैं, आउटपुट हमेशा जो आपको मिल रहा है वो अबव द एक्स एक्सिस मिल रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में वाई पॉजिटिव आपका कहाँ पर है, तो इट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक, अल्फा तक, और यूनियन बीटा से लेके इंफिनिटी तक। तो तीनों साइन मैंने यहां पे बताए, दो जगहों पर जीरो होगा, बिटवीन अल्फा बीटा नेगेटिव होगा, और अल्फा बीटा के बाहर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दिस इज दी साइन। मैं दो बातों पे आपके साथ अभी डिस्कशन किया, एक तो ग्राफ कैसे बनाते हैं और दूसरा साइन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ये कहां कहां होगा, और एक तीसरी और लास्ट बात अब हम यहाँ पे करेंगे, और ये जो है अपना पहला केस खत्म हो जाएगा। और यदि आपको पहला केस समझ गया तो फिर बाकी पांच केस तो आप यूं ही बना लो, सारे बनवाऊंगा आपको, लेकिन धीरे धीरे जब हम पांचवे छठे केस तक बनाएंगे तो सारी बातें आपको एकदम टोटली क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अभी कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल मन में है आपके। पहले का सिंबल क्या है? यही हुआ है, सबसे पहला पेज यही है। सर ये एक्स की पहली सिंबल क्या है? बोले क्या बोले बेटा? एक्स के पहले का सिंबल ये फॉर ऑल के लिए यूज करते हैं, जो आप वर्ड लिखते हैं ना फॉर ऑल, तो उसके लिए अपन मैथमेटिक्स में ये वर्ड यूज कर लेते हैं, ये सिंबल यूज कर लेते हैं फॉर ऑल। उल्टा ये सर वो माइनस इनफिनिटी नहीं समझा। अल्फा से छोटे नंबर कहाँ तक जाएंगे? अल्फा से यदि मैं छोटा, सर वो माइनस है तो पॉजिटिव कैसे हो सकता? कहाँ पॉजिटिव लिखा है मैंने? सर वो माइनस इनफाइनाइट, अरे पॉजिटिव रहता। सुजल ये जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो ही पॉजिटिव आए, आप नेगेटिव नंबर डालो तो भी पॉजिटिव आ सकता है। जैसे माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है सुजल? फोर होता कि नहीं होता? कि माइनस फोर लिखते हैं फोर, तो हाँ नेगेटिव नंबर का आउटपुट भी पॉजिटिव आ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। समझ में आया अभी सुजल? यस सर। ओके, आपको धीरे धीरे सारी सिचुएशन समझ में आएंगे, मैं आपको बहुत इजी वे में भी जा रहा हूँ, ये तो अभी अपना थ्योरेटिकल पार्ट है। चलिए, तो दो चीजें हैं, ए पॉजिटिव आएगा और डी पॉजिटिव, कभी भी कोई सा भी क्वाड्रेटिक ले लो जिसका ए और डी पॉजिटिव आएगा वो शेप ऐसा ही लेगा। अब मान लो यदि उसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा पे क्या हो जाएगा? जीरो। अल्फा बीटा के बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अल्फा बीटा के बीच में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा, ये बिल्कुल ट्रू है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक में जिसका ए और डी पॉजिटिव होगा हमेशा ये बात ट्रू है। तो आप इसको मतलब यदि 100 क्वेश्चन में बना दूं जिसमें ए और डी पॉजिटिव है, हर क्वेश्चन के लिए आंसर बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये कैटेगरी बनाई है कि जब भी ए और डी पॉजिटिव होगा और मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव कहाँ है, तो आप बिल्कुल बिना सोचे बोल दीजिए कि अल्फा बीटा के बीच में नेगेटिव होगा, अल्फा बीटा पे जीरो होगा और अल्फा बीटा के बाहर ये पॉजिटिव होगा, हमेशा आप ट्रू होगे, कभी गलत नहीं हो सकते। तो इसको ध्यान में रखिए। और एक छोटी सी बात और अपन कर लेते हैं, और वो है कि ये ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? मिनिमम, मिनिमम समझता है ना आपने, जैसे किसी बच्चे ने मोमेंटम में टेस्ट दिए मान लो, और उसको आउट ऑफ 100 मार्क्स कभी 50 मिला, कभी 30 मिला, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते हैं, 50 मिला, 30 मिला, 60 मिला, 25 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 99 मिला, 91 मिला, तो सबसे मिनिमम क्या मिला? फोर मार्क्स मिले ना, मिनिमम वैल्यू समझ गए ना आप? हाँ मिनिमम वैल्यू आप समझ गए, तो इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, कि ग्राफ की सबसे निचली वैल्यू कौन सी आएंगी। तो आप ये देख रहे हो कि अपन जब ऐसा ऊपर जाते
तो ऊपर का जाने का मतलब ही होता है इंक्रीजिंग, जिसको बोलते हैं ना ग्राफ इंक्रीजिंग, ऊपर जाने का मतलब बढ़ रहा है। तो आप ये देखो, ये ग्राफ यहाँ पर जो है आपने जो बनाया, इसकी शेप अपन ऐसी बनाते हैं। जब भी आपने शेप बनाया तो ऐसा बनाएंगे। ऐसा बनाने का मतलब है यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही 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 डिक्रीज हुई 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 डिक्रीज यहाँ तक हुई 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 यहाँ पे आके रुक गया। और अब यहाँ से वो पढ़ना शुरू किया बच्चा, मतलब पहले पढ़ाई नहीं करता था तो हर टेस्ट में उसके मार्क्स गिरते ही जा रहे थे, गिरते ही जा रहे थे, गिरते ही जा रहे थे, गिरते ही जा रहे थे। अब पेरेंट ने लगा एक थप्पड़ और उसके बाद ये संभला यहाँ पे, और फिर उसके बाद वो उठना शुरू किया और ये बढ़ता गया। तो मैं यदि ये पूछूं कि सबसे मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट होगा। तो ये हमेशा याद रखो कि इस तरीके के किसी भी ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, तो आप बोल दो वर्टेक्स पे मिलेगी, क्योंकि वर्टेक्स उसका टर्निंग पॉइंट होता है। हर बंदे की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आता है जहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो वो टर्निंग पॉइंट यहां पर इसका ये है, जहां से ये टर्न हुआ। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हमको किस पॉइंट पर मिलेगी, वर्टेक्स पे मिलेगी। और वो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाय फोर ए। मतलब मैं यदि आपको इस एक्सप्रेशन का ये पूछूं कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? नहीं, अब एक बात ध्यान में रखना, मैं दो चीजें माइनस वन बाय फोर। हाँ वेरी गुड, दो चीजें हैं, आप ध्यान से सुनो। आपको एक बात बस ध्यान से समझनी है, उसके बाद पांच में तो हम कॉपी करेंगे, एक बस अच्छे से समझिए। ये देखो जो बच्चे ने टेस्ट में मार्क्स लिए थे वो मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको कंसिडर करें, कोई दूसरा बच्चा है, पहला टेस्ट में उसको मेरा 78 मार्क्स मिले सपोज, सेकेंड टेस्ट दिया उसको 60 मार्क्स आए, थर्ड टेस्ट दिया उसको 81 मार्क्स आए, फोर्थ टेस्ट उसने दिया उसको 50 मार्क्स आए, पांचवा टेस्ट उसने दिया उसको 98 मार्क्स आए, सिक्स्थ टेस्ट दिया उसने उसको 72 मार्क्स आए। अब आप ये बताइए कि सबसे मिनिमम मार्क्स उसको कितना मिला? 50 मिला। ये मार्क्स किसने फोर बोला, ये है मार्क्स, ये तो टेस्ट नंबर है। तो सबसे कम मार्क्स कितना आया, 50। और अब आपसे पूछा जाए कौन से टेस्ट नंबर पे उसको 50 सबसे कम मार्क्स मिले, टेस्ट नंबर यदि पूछा जाए, टेस्ट नंबर फोर है, फोर्थ टेस्ट में उसको सबसे कम मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो मैं आपसे पूछूंगा कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 50। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि किस नंबर के टेस्ट में 50 मिले थे बेटा आपको, तो आप बोलोगे चौथे टेस्ट में, फोर्थ टेस्ट में। तो बिल्कुल सेम चीज यहां पर भी है कि इस ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस वन बाई फोर। किस पॉइंट पर होगी, तो पॉइंट होगा 5/2। 5/2 पॉइंट पर सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस वन बाई फोर होगा। कहने का जो मतलब है वो ये है कि यदि मैं इसमें x की जगह 5/2 डालूं तो y का वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, माइनस वन बाई फोर। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पे पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और आपको ये सिखाया गया है कि सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो और उसके बाद आप कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हो, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5/2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन बाई फोर। तो वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू, और एक्स कोऑर्डिनेट को बोलोगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब वो पॉइंट जिस पे सबसे कम वैल्यू आएगी। कहने का मतलब यदि मैं 4,50 लिखूं तो 4,50 में मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, 50, और पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम नंबर वैल्यू लाने वाला टेस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा 4। यदि मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,50 लिख देता हूं
तो अब आपसे यदि दो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, मैंने दो क्वेश्चन आपसे किए, 4.50 में ये बताओ कि बच्चे के सबसे कम मार्क्स कितने थे, तो आप आंसर करोगे 50 ना कि 4। अब मैं यदि आपसे ये पूछूं कि वो टेस्ट नंबर कौन सा था जिसमें 50 आया, तो फिर आप 4 करोगे। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर अब आप ध्यान से देखें, ये चीज को मैं हटा देता हूं, इसका तो अपना जो यूटिलाइजेशन है वो केवल इतना ही था, ये केवल था। तो हमेशा दो बातें होती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये जो -b/2a होता है, -b/2a मतलब x कोऑर्डिनेट, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिसपे सबसे कम वैल्यू मिलेगी, और इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट को, ये है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। दो चीजें हैं, तो हमेशा x कोऑर्डिनेट ध्यान में रखना पॉइंट ऑफ मिनिमा, और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूं अपनी लास्ट बात, और वो ये है, ये देखो ये लिखा है y मिनिमम, मतलब फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a कितने पर आएगी, एट x बराबर -b/, इस पॉइंट पर ये वैल्यू आएगी। जैसे मैं यदि इस क्वेश्चन में आपको आंसर करूं इसका, तो इस y का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू होगा कांगे -1/4, और ये आपको मिलेगा कितने पर, तो x बराबर 5/, मतलब दो तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू और फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो जब मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ, तो आप इस वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट बता देना, और मैं आपसे बोलूं कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप इसका फिर y कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, तो ध्यान में रखिए इसको, और अब आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आप इसको टोटल 6 बार पढ़ेंगे, एक बार तो पढ़ चुके, 5 बार और बताऊंगा अभी, ठीक है, और जब 6ठी बार तक आप पहुंचोगे तो एकदम साफ हो जाएगा ये आपको, क्लियर। लेकिन फिर भी अभी पूरी कोशिश करिए आपको हर चीज समझे, ठीक है, मन में आपके तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद से एक सवाल नहीं बनाओगे, लेकिन फिर भी जो थ्योरी मैंने आपको बताया, 5/2 को क्या बोलते हैं, ये लिखा है बेटा, सब 5/2, आप सुनो ना, तो ये जो 5/2 है, ये 5/2 क्या है, इसकी जगह पर लिखा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये लिखा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये जो -d/4 है, ये क्या कहलाता है, मिनिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो वाला पॉइंट जिसपे सबसे कम वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और दूसरा ये है मिनिमम वैल्यू -1/4, ये लिखें दोनों, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ब्लॉर दिखता है ऐसा कैसा हो जाता है? यस सर, मतलब स्क्रीनशॉट ब्लर दिखता है। हेलो ऋषि, ऋषि आवाज बंद हो गया, स्क्रीनशॉट जो लेते हो वो ब्लर दिखता है कि स्क्रीनशॉट लेते वक्त ब्लर दिखता है? स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो ब्लैकबोर्ड है ना, वो ब्लर दिखता है। ठीक, उसके बाद सही दिखने लगता? नहीं सर, वो बहुत देर बाद। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा ऋषि तुम्हारे तरफ, देखो, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लर ना हो।
चलिए तो अंकिता समझ गया तुमको, कोई डाउट अंकिता बेटा? नो सर। ओके चलिए, देखिए ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, टोटल 3 पॉइंट हमने ग्राफ भी बनाया, हमने साइन भी बताया और हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको 3-4-5 बार अभी और रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप, इसमें बहुत हाथ आपका जम जाएगा और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी जब ये लिंक्ड अप होती हैं तो फिर आपको और मजा आएगा फिर पढ़ने में। ये तो अपन ने बेसिक अभी शुरुआत की है यहाँ पर। खैर मैं अब आपको इसे आगे बढ़ाता हूँ, आप अपन इस पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई भी आप क्वाड्रेटिक मेरे को बताओ, इसमें अपन सारी बातें ये लिखेंगे और देखो आप भी लिख लोगे खुद ही, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक आप में से कोई भी बच्चा मेरे को बताए जिसका ए और डी दोनों पॉजिटिव, पहले आप कैलकुलेट कर लेना फिर मेरे को बताना, जिसका ए भी पॉजिटिव हो और जिसका डी भी पॉजिटिव हो, कोई भी क्वाड्रेटिक बताइए। ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और डी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपके थ्रू मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये थ्योरी में अपन, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी बताओ कोई भी ए पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए और ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, लो किसी को नहीं मिल रहा है, अरे संकेत माइक म्यूट करो, हाँ बताओ भाई कोई ऐसा क्वाड्रेटिक है आपकी नजर में जिसका ए और डी दोनों पॉजिटिव आता हो? यस सर। बोलो संकेत, और मैं बोल रहा है, मैं बोलो, मैं नहीं सर संकेत ही बात, हाँ बोलो संकेत। 5x² + 7x + 2 5x² + 7x + 2 चलिए देखिए ये संकेत ने मेरे को बताया 5x² + 7x + 2 यदि आप इसका ए कैलकुलेट करें, ठीक है जब भी कोई क्वाड्रेटिक आए ना सबसे पहले आप क्या मैं पूरी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, पूरा ग्राफ के थ्रू अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक आए सबसे पहले आप इसका ए लिखो, ए 5 आएगा, फिर आप इसका डी लिखो, डी होता है b² - 4ac, 4ac कितना हो जाएगा 40, कितना आएगा ये 9, तो आपका ए भी पॉजिटिव आया और आपका डी भी पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव है, वेरी गुड संकेत, ये संकेत का एग्जांपल है। अब इसमें मैं आपको सारी बातें डिस्कस करके बता रहा हूँ जो जो अपन ने डिस्कस किया, ये पॉजिटिव कहाँ होगा, ये नेगेटिव कहाँ होगा, ये जीरो क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी पर, सारा कुछ एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट दी प्लॉट दी ग्राफ, देखिए आप जानते हैं कि इसका जो ए और डी दोनों पॉजिटिव है इसलिए जो शेप आएंगी वो ओपन अपवर्ड आएंगी, तो जब शेप ओपन अपवर्ड आएंगी तो इसका जब आप ग्राफ पेपर से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ आपका यू आएगा, ओपन अपवर्ड है और एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर पहले तो ग्राफ इधर बनाए थे अब ग्राफ इधर क्यों बनाए, तो वो डिपेंड करेगा रूट पे, भाई जरूरी नहीं है हमेशा रूट आपके पॉजिटिव ही आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करता है ना कि रूट्स आपके पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे, तो आप यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स -1 और -2/5 आता है, आप कैलकुलेट करके देख लें, इसका यदि आप रूट निकालोगे तो इसका जो रूट है वो -1 और -2/5 आता है, दोनों नेगेटिव रूट्स आते हैं, और इसलिए मैंने इसकी जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनाई थी कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पे तो इंटरसेक्ट करेगा लेकिन वो 2 पॉइंट आपके नेगेटिव साइड में होंगे, ये इस तरीके,
इसका रूट माइनस वन आता है और माइनस टू बाय फाइव आता है. व्हेन यू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास है, वो फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करिए और आप देखोगे कि ये रूट्स आएंगे, माइनस वन आएगा और माइनस टू बाय फाइव आएगा. अब माइनस वन और माइनस टू बाय फाइव दोनों को आप प्लॉट कर लीजिए. तो माइनस टू बाय फाइव, अच्छा ये बताओ माइनस वन बड़ा होगा कि माइनस टू बाय फाइव बड़ा होगा? माइनस टू बाय फाइव. माइनस टू बाय फाइव बड़ा होगा. अच्छा माइनस वन माइनस वन माइनस वन बड़ा होगा. माइनस वन बड़ा है कि माइनस 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 वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन बड़ा है. चलो चलो एक मिनट मेरे को पूछने दो. अंकिता तुम बताओ जरा माइनस वन बड़ा है कि माइनस टू बाय फाइव बड़ा है? सर माइनस वन, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में लाई करेंगे ना, और नेगेटिव साइड में जो रहता है तो माइनस टू उसमें लेस रहता है और माइनस वन जो रहता है वो ग्रेटर वैल्यू बताते हैं. हाँ ऋषि तुम बताओ. सर माइनस टू बाय फाइव. अब लोग तुम बताओ. 2/5 क्योंकि अगर जब उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू -0.4 आएगी. वेरी गुड. ये देखो ये जो होता है ना 2/5 जो होता है वो एक्चुअली ये होता है 0.4. अब यदि मैं आपसे पूछूं कि माइनस वन बड़ा है कि माइनस पॉइंट फोर बड़ा है तो कौन सा नंबर पॉइंट फोर माइनस पॉइंट फोर बड़ा होगा? फिर क्यों गड़बड़ करते हो? ये आएगा माइनस टू बाय फाइव, ये बड़ा है और ये नंबर छोटा है, ये रूट है. तो ये दो रूट आएंगे, एक माइनस टू बाय फाइव है, दिस इज योर माइनस टू बाय फाइव और ये रूट है माइनस वन. ठीक है, तो जैसे अल्फा बीटा वहां पे मिल रहा था ये मिल गया अपन को. अच्छा आओ अपन इसका वर्टिक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वर्टिक्स भी बता दो आप, ये सब चीजें पहले लिख लिया करो. वर्टिक्स क्या होगा इसका? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाय टू ए. ये जो अपन ने लिखा था माइनस बी बाय टू ए, तो माइनस बी बाय टू ए निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस सेवन बाई टेन. और माइनस डी बाय फोर ए, डी तो ये है और फोर ए निकालोगे तो बीस हो जाएगा, तो माइनस नाइन बाय ट्वेंटी आएगा. कैलकुलेट कर लेना. थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए दोनों नेगेटिव आए. अब मेरे पास सब कुछ हो गया, मैंने शेप बनाई ए और डी को देख के, उसके बाद मैंने रूट और वर्टिक्स लिख लिया. अब नाउ यू आर कैपेबल टू राइट एवरीथिंग. अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि वाई पॉजिटिव कहाँ होगा, तो आप क्या लिखोगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इसके बाहर और इसके बाहर, तो क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और माइनस टू बाय फाइव से इंफिनिटी. अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि वाई नेगेटिव कहाँ होगा, तो नेगेटिव होगा बिटवीन माइनस वन और टू बाय फाइव. अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि वाई जीरो कहाँ होगा, तो आप लिख दोगे इसके रूट क्या आते हैं? माइनस वन और माइनस टू. इन दो पॉइंट पे जीरो, इसके बीच में नेगेटिव, इसके बाहर पॉजिटिव, तीनों साइन आ गए. अब मैं ये पूछूं कि भाई इसका मिनिमम वैल्यू तो बताओ जरा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती? माइनस नाइन बाय ट्वेंटी. और कितने पे आती है? एट एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन बाय टेन. ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व. अब एक बार में कोई एक ही चीज पूछेंगे, लेकिन अपन ने सारी लिख ली, इसकी ग्राफ भी बना दिया, साइन भी बता दिया और मिनिमम वैल्यू भी लिख दी, किस पॉइंट पर होगी वो भी आपको बताया. सो ये है क्वेश्चन करने का तरीका. कोई भी क्वेश्चन आएगा, ए और डी पहचानो, उसके बाद शेप बना दो. शेप बनाने के बाद आप सारा कुछ बता सकते हो, ये मिनिमम कितने पर होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, मतलब पूरी एनालिसिस ग्राफ के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं पूरी जानकारी, ये कंप्लीट जानकारी. कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीन शॉट ले लो इसका.
कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। अगर सर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो? हाँ, मैक्सिमम की बारे में यदि मैं बताऊं तो आप ये देख रहे हो कि ये ग्राफ यहाँ पे गिरना शुरू हुआ था, गिरा यहाँ तक गिरा, लेकिन उसके बाद जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो अब बढ़ते ही जा रहा है, और जितना आप एक्स को बढ़ाओगे उतना वाई बढ़ेगा, और एक्स को डालोगे तो और बढ़ेगा, और एक्स की वैल्यू लोगे तो और पॉजिटिव आएगा, और एक्स लोगे तो और पॉजिटिव आएगा, और एक्स लोगे तो और पॉजिटिव आएगा, और एक्स को जितना बढ़ाएंगे ग्राफ उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर अब इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, एक बार ये बढ़ना शुरू हो गया तो अब बढ़ते ही चला जाएगा, और इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होगी, इन्फिनिटी होगी। तो यदि मैं मैक्सिमम लिखूं इसका तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इसका? इन्फिनिटी आएगा, तो उसको अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड। जैसा आप बोलते हैं ना 10-90 नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि इन्फिनिटी आता है, सेम थिंग है। तो यदि ग्राफ आपका ओपन अपवर्ड रहा, ओपन अपवर्ड के केस में मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, ओपन अपवर्ड रहेगा तो आपको मिलेगा क्या? केवल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम यहां पर लिखा है, ओपन डाउनवर्ड। कोई और डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, बाय सर, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय बाय सर, थैंक यू, बाय सर, बाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, बाय।